हाँ, मेरा नाम सदफ़ मुश्ताक है, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, टेंथ में फर्स्ट या टेंथ तक तो कहीं नहीं की। किस जगह से ताल्लुक रखती हैं? मैं नटीपुरा श्रीनगर में रहती हूँ। तो आप हमें बताइए कि आपने टॉप किया है इस टाइम, जब ये न्यूज़ आपके घर पहुँची तो आपको कैसा लगा और सब घर वालों क्या? टॉप करना तो सोचा नहीं था, अच्छे मार्क्स सोचे थे मगर टॉप रैंक तो नहीं सोची थी, बिल्कुल नहीं सोची थी, घर वालों ने भी नहीं सोची थी। तो मैंने सबसे पहले बाबा को फ़ोन किया तो बहुत खुश थे, फिर मम्मा को किया, मम्मा और खुश थी। खुद को भी अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन मिला कि जो मेहनत की उसका आज रिज़ल्ट आ गया, पहले तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। कंग्रेचुलेशंस। या तो सिर्फ अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव का बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं और क्या गोल? आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैंने नॉन मेड स्ट्रीम ऑप्ट की है और मेरा ड्रीम कॉलेज IIT मद्रास है, तो उसी के लिए मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। इंशाल्लाह। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो हार गए हैं शायद, इस बार कुछ बैकलॉग्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि आप देखिए कि इस साल क्या क्या आपने क्या क्या गलतियाँ की, उनको सही करें और इंशाल्लाह अगले साल आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे कि हमने सुना कि आपने सेल्फ स्टडी की है, आपने ट्यूशन्स नहीं लिए, उस सफ़र के बारे में बताइए, कितना मुश्किल था? आपके फ्रेंड्स क्या वो भी सेल्फ स्टडी करते थे या आप इकलौती थी? सच बताऊँ तो जब मेरे फ्रेंड्स ने ट्यूशन ऑप्ट किया तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी, बहुत डाउट था कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं विंटर में खुद पढ़ती हूँ, फिर विंटर में देखा तो समझ आ रही थी चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है जो आपको पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे पढ़ नहीं सकते हो, तो घर बैठे सब कुछ किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हो ऑब्वियसली। तो ट्यूशन की ज़रूरत तो है नहीं टेंथ में मेरे हिसाब से। अब मैं अभी करंटली इलेवेंथ में हूँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, टेंथ तक तो नहीं की थी और मुझे लगता भी नहीं ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो हर दिन थोड़ा थोड़ा, सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, टीचर्स को फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।